और इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर आ रही है। कोरोना संकट से जुड़ी यह खबर है। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। अंबेडकर अस्पताल में अब 39 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं मैक्स अस्पताल में भी कोरोना पॉजिटिव मेडिकल स्टाफ पाए गए हैं, जिनकी संख्या 33 है। यानी एक के बाद एक तमाम अस्पताल कोरोना से संक्रमित होते जा रहे हैं, जो अपने आप में चिंता बढ़ाती है कि आखिर अगर मेडिकल कर्मी ही कोरोना पॉजिटिव होने लगेंगे तो आम लोग या उन तमाम मरीजों का क्या होगा जो इलाज के लिए इन अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के मैक्स अस्पताल में 33 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसमें 2 डॉक्टर भी हैं, 23 नर्सिंग स्टाफ है, इसके अलावा टेक्नीशियन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 145 नर्सों को क्वारंटाइन किया गया है, दूसरे हॉस्टल्स में उनको रख दिया गया है। और देखिए इस वक्त जो है अस्पताल के भीतर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि गाड़ियां खड़ी हैं और जो भी लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और उसके बाद ही जो है उनको अंदर प्रवेश मिल रहा है। अब तक दिल्ली में 14 अस्पतालों में 100 से ज़्यादा स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्थानीय प्रशासन जो है वो यहाँ पर लगातार बना हुआ है और देख रहा है कि कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है। ब्यूरो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ मोहित राजदुबे, न्यूज़ एक्शन दिल्ली।